गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं आ चुका हूँ यूनिवर्सिटी ऑफ कोटा के बिल्कुल सामने, क्योंकि आज मेरा बीपीएड का एंट्रेंस टेस्ट है, फिजिकल फिटनेस टेस्ट का। और धीरे धीरे स्टूडेंट्स और आ रहे हैं यहाँ पे आसपास, आप देख सकते हो यहाँ पे कुछ लोग अपने डॉक्यूमेंट्स जेरॉक्स करवा रहे हैं, भीड़ ठीक ठाक है। और ये मैं यूनिवर्सिटी के अंदर घुस चुका हूँ, ये देखिए। तो हमें सुबह 6:30 बजे का रिपोर्टिंग टाइम दिया गया था और हम 6:30 बजे यहाँ पे आ चुके थे, और अब हम धीरे धीरे ग्राउंड की तरफ जा रहे हैं। और व्यू बहुत ही सुंदर है यहाँ पे आसपास, सुबह का टाइम है और हरियाली खूब है, ये तो कहना पड़ेगा। और ये रहा ऑडिटोरियम जहाँ पे हमारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने वाला है, रनिंग के बाद ही होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। तो भाई ये पहला बेस्ट तैयार अपनी रनिंग के लिए। यहाँ पे एक 400 मीटर का ट्रैक है जिसके ऊपर आपको एक चक्कर काटना है और उसके बाद आपको रोड पर ले जाया जाएगा। वहाँ पे आपको 700 मीटर जाना है, 700 मीटर वापस आना है, देन अगेन इस 400 मीटर ट्रैक का एक चक्कर वापस आपको काटना है। ऐसे आपको 2200 मीटर कवर करने हैं, 12 मिनट्स आपको दिए जाएंगे। तो वैसे जैसे कि आप सब देख सकते हो, इन्होंने एक लैप कंप्लीट कर लिया है और अब ये रोड की तरफ निकल गए। यहाँ से इनको 700 मीटर जाना है, देन अगेन रिटर्न 700 मीटर आना है, और आने के बाद एक और चक्कर इस 400 मीटर ट्रैक का इनको काटना है, और इन सब के लिए इनको सिर्फ 12 मिनट मिलेंगे। तो भाई जो भाई तैयारी कर रहा है भाई, प्लीज रुकना मत, अपने पैर चलाते रहना, आप पहुंच जाओगे 12 मिनट तक। हाँ, बीच में रुक गए ये कर लिया तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी, बाकी अगर आप रुकोगे नहीं तो सब कुछ स्मूथली हो जाएगा। बीपीएड का फिजिकल हो रहा है, 2-3 बैच निकल चुके हैं, चौथा बैच आ रहा है। तो भाई बीपीएड का फिजिकल फिटनेस टेस्ट मैंने क्वालिफाई कर लिया है। 12 मिनट में 2200 मीटर दौड़ना था। हाँ, क्योंकि प्रैक्टिस मैंने ढंग से नहीं करी, ढंग से क्या, मैंने बिल्कुल ही नहीं करी, तो बहुत प्रॉब्लम आई, सांस फूलने लग गया, यहाँ से पेन करने लग गया। तो जो जो भाई बीपीएड की तैयारी कर रहे हैं, प्लीज़ लाइटली मत लो, 1-2 हफ्ते एटलीस्ट आप प्रैक्टिस करो। हालांकि 7 तारीख को हमारा एडमिट कार्ड आया था और 11 तारीख को मैं आप बुला लिया गया, तो आप सभी से निवेदन है, जैसे आप फॉर्म फिलअप करोगे वेट मत करना, फॉर्म फिलअप करने के तुरंत बाद फिजिकल अपनी प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर देना। अब 7 तारीख को मेरा एडमिट कार्ड आया, 1-2 दिन मेरे को डॉक्यूमेंटेशन में ही लग गए अपने जो भी है इकट्ठा करने में, 10 तारीख को ट्रेन, 11 तारीख को ही है। तो प्लीज़ ये एक एडवाइस है मेरी तरफ से, प्लीज़ आप प्रैक्टिस करें अच्छे से। पहले 20-20 के ग्रुप में दौड़ाए, फिर बीच में 30-30 के ग्रुप करें, और मेरा ग्रुप था सबसे लास्ट में, तो 20 बंदे थे हम ग्रुप के अंदर। बहुत लोग रुक जाते हैं, रुकना नहीं है, भले स्पीड कम हो बट दौड़ते रहने, रुकने के बाद सांस ही भरने लग जाता है, चेस्ट दर्द करने लग जाता है, और एक मेंटेलिटी भी वीक पड़ने लग जाती है, तो रुकना है ही नहीं आपको, भले आप जॉगिंग करो लेकिन कंटिन्यू रखना है। तो भाई जिस जिसका फिजिकल फिटनेस टेस्ट क्लियर हो जाता है ना, उसको फिर एक साथ बुलाया जाता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, जहाँ पे आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स तो देखे जाते हैं और उनकी एक जेरॉक्स कॉपी ले ली जाती है। और भाई डॉक्यूमेंट्स को लेकर कोई कन्फ्यूजन मत रहना, आपके एडमिट कार्ड में साफ साफ दिया कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे रिक्वायर्ड होंगे। तो भाई डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होने के बाद मैं वापस अपने घर की तरफ निकल जाता हूँ, कोटा की प्यारी गलियों से होते हुए और बढ़िया कुछ झील के नज़ारे देखते हुए मैं बढ़िया अपनी ट्रेन पकड़ लेता हूँ और फिर मैं पहुँच जाता हूँ सीधा जयपुर। और भाई अगर आपको प्री बीपीएड से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में पूछना ना भूले, एंड आप प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।